आर यू? जय माता दी, वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत दिन बाद। हाँ, बिकॉज मेरा फोन आई डोंट नो बार बार रीस्टार्ट हो रहा था और बाद में मुझे पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थी जो हर गर्ल के फोन में होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी की। और पहले तो बता दूँ, आज थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा आज अच्छा फील नहीं कर रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं हमारे यहाँ पे घटी कि मेरे को, मैं उनके बारे में बताने चाहती हूँ, बट कुछ अच्छा नहीं हुआ सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम सारा जो सोसाइटी का माहौल है थोड़ा सुस्त हो गया है। और आद्या सो रही है। आद्या को दिन में तो फीवर था, अभी चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, अभी नहीं है। और ये इसने होंठ पे चोट मार ली है हल्की सी। और टेबल है, इसका थोड़ा किनारा उसके मुंह पे लगा जाके। बस तो फिर क्या हुआ, मैंने अपनी सारी फ़ोन मेमोरी 3 दिन लगातार दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र की, बिकॉज मैं आद्या का कोई वीडियो और ये फ़ोटोग्राफ्स मिस नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत ख़राब लगता अगर वो सब उड़ जाता। आई क्लाउड में जब देखा ये एप्पल के स्टोर जाके, तो आई क्लाउड में कुछ 2021 नवंबर की उसके अंदर मेमोरी थी। तो आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, अभी कैसे होगा। एंड ही टोल्ड मी आई क्लाउड में भी जाने के लिए उसकी मेमोरी, आपके फ़ोन में स्पेस काफ़ी सारी एम्प्टी होनी चाहिए जब वो ट्रांसफ़र होता है। और स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं घबरा गई, तो मैं गई एप्पल स्टोर, सर्विस स्टोर, और वहाँ पे जाके मैंने उनको फ़ोन जैसे ही दिखाया, उन्होंने एनालिस्टिक डेटा वगैरह चेक किया। उसमें वो पैनिक फुल करके आता है। वो बहुत ध्यान से सुनिए आपकी, क्योंकि आईफोन वाला प्रॉब्लम ही किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले एनालिस्टिक डेटा में जाके, सेटिंग्स में जाके ज़रूर चेक कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे, पैनिक फुल तो नहीं आ रहा। अगर पैनिक फुल आ रहा है, इसलिए आपका फ़ोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। ख़राब बात मुझे ये लगी उन लोगों की कि जब मैं एंटर हुई, उन्होंने पहले ही मुझे रोक के ऐसा फेस बना के रखा था। सर्विस सेंटर में तो ऑलरेडी लोग टेंशन में आते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इतना महंगा फ़ोन होता है, 1,00,000 के ऊपर होता है, तो पहले ही वो लोग ना प्रिपेयर्ड होते हैं, ऐसा लगता है उनके फेस से ऐसा लगता है। तो उससे पहले मेरे नेबर जो हैं, उनके पास भी आईफोन है, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बोला था, सबसे पहले आप सर्विस सेंटर फ़ोन करके, क्योंकि उनसे बात करो, फिर सर्विस सेंटर जाना। तो मैंने कस्टमर केयर, जो कि उनका फ्री सर्विस रहता है, वो वहाँ पे फ़ोन किया। उन्होंने काफ़ी, उसमें भी 3-4 घंटे लगे उस दिन मुझे। दैट्स वाई यही व्लॉगिंग लेट हो रही थी। तो 3-4 घंटे क्यों लगे, क्योंकि वो लोग मुझे बोलने लगे कि आई क्लाउड में स्टोरेज पहले ट्रांसफ़र कर लो, बिकॉज उससे पहले प्रॉब्लम, उन्होंने बोला, सब चीज़ चेक की, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और बैटरी परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने बोला आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं था, तो उन्होंने बोला मे बी इस वजह से भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया मैंने उन्हीं के सामने, फिर iCloud का परचेज किया मैंने। iCloud फुल था तो मैंने परचेज किया, वही सब फ़ोन पे बात करते करते किया। और परचेजिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही इसलिए उनके साथ 3-4 घंटे मत्था मारना पड़ा। फिर तभी भी वो सॉल्व नहीं हुई चीज़। एंड आई वॉज लाइक, क्या हुआ, क्या एक आध बार मैंने गलत चार्जर पिन डाल ली, शायद उससे हो गया कि क्या हो गया। तो बैक टू चलते हैं वो फेज जब मैं एप्पल सर्विस स्टोर गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार फ़ोन का मतलब रीसेट करके देख लीजिए आप, और iCloud में सारी स्टोरेज करके उसको रीसेट करके देख लीजिए, अगर पैनिक फुल लिखा नहीं आता फिर तो आपका फ़ोन सही है, आप यूज़ कर सकते हो। अगर स्टिल अगर वो पैनिक फुल लिखा आ रहा है उसके बाद भी, देन आपके फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब है। बुरा मुझे क्यों लगा, आप बोलोगे इसमें क्या बुरा लगना। बुरा मुझे ये इसलिए लगा क्योंकि ये वाली जो कन्वर्सेशन थी वो उन्होंने सबसे लास्ट में की। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा वो बता देती हूँ। सबसे पहले जाते ही उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब है, क्योंकि बैटरी प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ एन हार्डवेयर इशू। उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोला था, इट हैज़ एन हार्डवेयर इशू, और आप जितनी जल्दी हो सके आपके फ़ोन को सेल कर दो। मैंने बोला फ़ोन को सेल कर दो, अभी तो उसको आई थिंक
डेढ़ साल ही हुआ है, तो मेरे को अंदर से घबराहट होने लगी कि अब मैं तो नहीं खरीद सकती हूँ इतना कॉस्टली फ़ोन। मैंने मतलब ऐसे सोच के भी रखा था कि लाइफ का मेरा पहला या आखिरी आईफोन होगा, आई डोंट नो, मतलब मेरी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, क्योंकि आईफोन खरीदना इज़ लाइक स्पेंडिंग मोर देन अ लैक और मेरे को मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर उन्होंने ऐसे जब बोला कि इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, तो उन्होंने मुझे बोला आप मेरा नंबर ले लो, आपको सेल करना है तो सेल कर लेना, इसको सेल हो जाएगा। मैंने बोला कितना पैसा मिलेगा, ही सेड 30 to 35,000 और आप न्यू आईफोन ले लो या फिर आप सेल कर लो, सर कर दो उसके लिए मैं करवा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं इसका एक बार आईफोन मतलब एप्पल जहाँ से ख़रीदते हैं एप्पल स्टोर वहाँ जाके भी एक बार इसका पता कर लेती हूँ कि रीसेल में वैल्यू क्या मिलेगी, आई डोंट नो दैट क्लिक्ड हिज माइंड और व्हाट। उसके बाद उसने मुझे बोला एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप सारा फ़ोन रीसेट एक बार करके देख लो और अगर ये पैनिकफुल लिखा नहीं आता देन आपका फ़ोन सही है, अदरवाइज नहीं। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन एक्चुअली ये सबसे लास्ट की स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से मुझे याद जो रहा वो पहले वाला रहा, और आपके सामने याद ये वाला क्यों आ रहा है इसीलिए बिकॉज एज एन एंजल मेरे फ्रेंड के हस्बैंड बन के आए, बिकॉज वो लोग आए थे घर पे दो दिन बाद एंड ही टोल्ड मी मेरे पास आईपैड है, आप उसमें सारा डेटा ट्रांसफ़र कर लो, इफ़ यू फील लाइक आई क्लाउड खाली नहीं है या आई क्लाउड में टाइम लगेगा देन यू कैन ट्रांसफ़र टू माई लैपटॉप और रीसेट करके देखो। वो लोग ऐसे खामखा डराते हैं, सबको डराते हैं, तो आप रीसेट करके देखो ठीक हो जाएगा आपका फ़ोन। एंड लिटरली मैंने क्या किया कि उनका मैंने सोचा उनको बुलाऊँ, उनका लैपटॉप यूज़ करूँ या उनके घर जाऊँ और इतना घंटा बैठ, मतलब ठीक है वो भी करेंगे लेकिन एक बार दूसरे फ़ोन में मेमोरी ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं, बिकॉज अदर फोन ऑफ माइन दिस वन इट हैड स्पेस। तो मैंने कहा पहले मैं इसमें कर लेती हूँ, फिर इसमें नहीं हो पाएगा तो उनके लैपटॉप में करके फिर रीसेट कर लेंगे। अब क्या हुआ, मैंने सारा डेटा, 3 दिन लगे मुझे, मतलब सारा डेटा ले दे के मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मुझे भेजा, बिकॉज आई वॉज लिटरली सो सैड एंड स्केयर्ड कि मेरी बेटी की यादें मतलब गायब ना हो जाएं। फिर क्या हुआ, सब कर दिया सब कर दिया, फिर ऐसे भोलेनाथ का नाम लेकर 2 दिन मंत्र पढ़ के मैंने सारा फ़ोन रीसेट मारा एंड गाइस इट एक्चुअली वर्क्ड। तो ये आईफोन का है जो ना, आप सर्विस सेंटर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आई नो काफ़ी लोग के पास आईफोन होगा डेफिनेटली, आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और पैसे जमा जमा करके रखते हैं यंगस्टर्स भी, कि हम चाहे 256 GB नहीं है कि देसी वाला ले लें जो आई थिंक 35-40 में आ जाता होगा शायद से, या सेकेंड हैंड भी आ जाता है। तो सबसे ये मेरा टिप है, इसलिए ये ब्लॉग बनाया मैंने, आज ऐसा कुछ खास नहीं है इस ब्लॉग में, लेकिन ये ब्लॉग इसलिए बनाया कि आईफोन का ये जो है इशू, मैंने बहुत सारा YouTube सर्च किया है और उन्होंने वो फोर्स रीस्टार्ट भी करवाते हैं वो भी करके देखा मैंने, कुकर की सीटी बज रही है तो फोर्स रीस्टार्ट करके भी मैंने देखा है, तभी भी नहीं हुआ था, मैं बहुत घबरा गई थी, वो फ़ोन का पैनिकफुल ने मुझे पैनिक दे दिया था, मैं पैनिक हो गई थी। तो क्योंकि मुझे बनाने थे ब्लॉग्स और मतलब आध्या अभी तो शी जस्ट 9 months और आगे कितना कुछ उसके लिए बनाना था, और आईफोन की क्वालिटी तो आप सब जानते ही हो, लोग ब्लॉगिंग करते हैं इससे, मतलब DSLR VGS छोड़ के इससे करते हैं लोग, इसका उस लेवल का क्वालिटी मिलता है। और मेरा ये एप्पल आईफोन 12 Pro है, तो मुझे नहीं करना अपडेट, मुझे ठीक है यही ठीक है, देन सब ठीक है, भगवान की कृपा से धन्यवाद ऊपर वाले। तो अभी हमारे घर पे आने वाले हैं, हमारे एक नेबर हैं वो हमारे घर पे आने वाले हैं, तो उनके साथ खाना वाना की पार्टी है, पार्टी क्या मतलब आंटी हैं और उनके बेटे हैं, तो खाना वाना खाएंगे और बातें बातें गप्पे मारेंगे, थोड़ा सा मेरा मूड भी थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा और बस यही चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। hey, ऐसे करती आजकल यार, पापा सो के उठी ना, नहीं तो और मत।
ये देखो मैंने बोला ऐसे छोटा बच्चे है नानी जैसा हूँ बोल मत छोटा छोटा बच्चे इधर छोटा बच्चे टेडी आंटी आपसे ज्यादा मिली हो ना प्रेगनेंसी में इसलिए आपको आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी जिससे आप घबराएंगे नहीं अगर ऐसा कुछ होगा। और आप सबको प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, उसमें मुझे सपोर्ट कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जय साई राम। लव यू। भगवान आप सबका भी कल्याण करेगा।